हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एस के स्टेट पॉइंट मथुरा में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि वीडियो टेक्निकल इश्यू की वजह से स्टॉप हो गया था, उसमें आपकी पूरी क्लास नहीं हो सकी थी, मगर आज की वीडियो में आपकी पूरी क्लास होने वाली है। देखिए, स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम को, जो कि 9th क्लास के लिए है। तो बिगिनर्स के लिए है, यानी बिगिनर्स जो भी होंगे वो 9th क्लास में आए होंगे, उनके लिए बहुत ही ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आप थोड़ा सा भी मिस ना करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, जब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे तो नंबर सिस्टम को मैंने दो भागों में बांट दिया था। यहाँ ये जो है दो भागों में बांटा था। एक था आपका कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर, यानी कैलकुलेटिंग सीखनी थी उसके अंदर, ठीक है, कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर्स। एंड सेकेंडरी था आपका, सेकेंड था कि डिटेल्स ऑफ नंबर। क्या? डिटेल्स ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर। तो ये था, दो पार्टों में बांटा था। तो देखिए, डिटेल ऑफ नंबर में मैंने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर होते हैं जो कि एन से स्टार्ट होते हैं, इन्हें डिनोट करते हैं एन से, यानी नेचुरल नंबर होते हैं, डिनोट करते हैं इन्हें एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और ये स्टार्ट जो होते हैं वो होते हैं वन से और जाते हैं आपके इनफाइनाइट तक, यानी कि ये तो आपका था नेचुरल नंबर। ओके, अगर हम अब देखें कि होल नंबर की बात कर रहे थे, तो होल नंबर के लिए मैंने बताया था आपको इसे W से डिनोट करते हैं, W से, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनका जीरो, और वन टू थ्री और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, कुछ इस तरीके से था। ओके, अब यहाँ पर आते हैं आपका, देखिए नेचुरल एंड होल दोनों हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। किसकी? इंटीजर की। इंटीजर के अंदर क्या होता है, देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर जो है इंटीजर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बट इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है आई से। किससे? आई से। और आप इसे जेड से भी लिख सकते हैं। किससे भी लिख सकते हैं? जेड से भी लिख सकते हैं। जेड से इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि झेलम एक जो है वैज्ञानिक रहे जिन्होंने इन्हें इंटीजर्स को सर्च किया था। ओके, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि मेरे नाम के फर्स्ट कैपिटल लेटर से इसे डिनोट किया जाएगा, तो आप इसे जेड भी लिख सकते हैं, जेड। ओके, आई इंटीजर के फर्स्ट कैपिटल लेटर से लिखा जाता है आई। ओके, ये है। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं, बट ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर रेशनल और इरेशनल नहीं आते। क्या? रेशनल और इरेशनल नहीं आते। क्या नहीं आते? रेशनल और इरेशनल नहीं आते। अब ऐसी कंडीशन जिसमें रेशनल और इरेशनल आते हैं, देखिए जिसमें रेशनल और इरेशनल आते हैं उसे रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल। यहां पर देखिए, उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर वो नंबर हैं जिनमें रेशनल और इरेशनल आते हैं। अब ये रेशनल क्या होते हैं? इरेशनल आते हैं। अब ये रेशनल क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, रेशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म रखते हैं, बट Q नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। Q नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। लाइक दैट टू थ्री फोर फाइव, यानी कि एवरी इंटीजर को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटीजर सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, एवरी इंटीजर इसमें आएंगे। तो देख लेते हैं, अब इरेशनल के अंदर क्या होता है जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं लिख पाता है। क्या? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है, नहीं हो, और बट क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसे हम कहेंगे इरेशनल, है ना, और उसका क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। लाइक दैट आप इसे लिख सकते हैं रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, इस तरीके से ये नंबर जो होते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन 9th क्लास के आपके जो है डिटेल ऑफ नंबर्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी अभी 9th क्लास में आए हैं। तो आज की क्लास मिस ना करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर में। आप देख पाएंगे कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर में क्या है। देखिए, कैलकुलेटिंग नंबर में आपका सबसे पहले आता है डेसिमल। क्या आता है? डेसिमल। तो डेसिमल को देख लेते हैं भाई। डेसिमल की बात करेंगे तो देखिए, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। यहां पर आप आएंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या?
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, देखिए कि जो डेसिमल कुछ पॉइंट तक चलने के बाद फुल स्टॉप हो जाते हैं, जैसे 6.25, देखिए यहां 25 पर आकर ये पूरा स्टॉप हो गया, ठीक है, ये तो रहेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो रहते हैं जो स्टॉप नहीं होते, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं 6.25 25 25 25 ऐसे ही चलता जाए, है ना। तो इस तरीके के डेसिमल्स को हम कहते हैं क्या, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और ये होते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, तो देखें इसमें कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 6.2 2 2 2 कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये है। अब इनकी भी अलग अलग दो कैटेगरियां हैं, इनकी कैटेगरी कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। इनकी कैटेगरी की बात करेंगे तो दो कैटेगरियां हैं इनकी, इनकी कैटेगरी है रिपीटेड रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ओके, देखिए रिपीटेड वो होते हैं जो के बार बार रिपीट हो रहे हो, सिंगल वैल्यू। ओके, सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही हो या कोई भी है तो वो रिपीट हो रही होगी, वो यहां आएगी। तो जैसे मैंने कहा 6.2 2 2 2 2 तो वो यहां आने वाला है, और जो रिपीट नहीं होंगे, जो रिपीट नहीं होंगे बट चलते रहेंगे वो यहां पर आएंगे, 6.1 4 3 4 4 7 8 ऐसे चलते जाएंगे, तो वो रहेंगे, ये रहेंगे आपके नॉन रिपीटेड। ध्यान दीजिएगा, जो रिपीटेड होते हैं वो रेशनल होते हैं, क्या होते हैं रेशनल, ये होते हैं इरेशनल, क्या ये होते हैं इरेशनल, ठीक, ये भी आपके रेशनल होते हैं, ये भी आपके रेशनल होते हैं। ओके, तो ये पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो ये डेसिमल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने कि दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरीके से रेशनल नंबरों को फाइंड आउट किया जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो लिखता हूं फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन अ टू गिवन रेशनल नंबर। ओके, देखें, देखते हैं आपके पास है 3/5 and 4/5, ये कोई वैल्यू दी गई है और वो कह रहा है फाइंड द फाइव रेशनल नंबर, क्या फाइव रेशनल नंबर, इनके बीच के जो है फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जब फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा एक छोटा सा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, यानी कि ये फॉर्मूला है जिसे हम d कहते हैं, क्या कहते हैं d, ये d है भाई, क्या कहते हैं इसे d, यानी d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस एन अपॉन एन। ये n वो है, n वो है जो पूछे गए नंबर है, जैसे 5, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करने वाले नंबर हैं, क्या फाइंडिंग नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ओके, यहां पर है बिग वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू कह लीजिए या बिग वैल्यू कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर है स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। अब आपको मैं क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं, देखिए बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद जब आपको डी मिल जाए, यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जब आपको डी मिल जाएगा, तो जितने नंबर पूछे हैं वो आपको कुछ इस तरीके से लिखने हैं, एक्स प्लस डी पहला नंबर, दूसरा एक्स प्लस टू डी दूसरा नंबर, एक्स प्लस थ्री डी तीसरा नंबर, एक्स प्लस फोर डी चौथा नंबर, और एक्स प्लस फाइव डी आपका पांचवा नंबर। यानी फाइव पूछ रहा है तो इस तरीके से फाइव आपको लेने हैं, सिक्स पूछता है तो सिक्स लेने हैं, सेवन पूछता है तो सेवन लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं। तो बात करते हैं डी निकालने की सबसे पहले। तो देखिए बड़ी वैल्यू आपकी ये है, स्मॉल वैल्यू ये है, यानी कि बिग वैल्यू ये है, स्मॉल वैल्यू ये है। तो देख लेते हैं 4/5 - 3/5 और पूछ रहा क्या है 5, तो यहां पर आप लिखेंगे 5+1। ओके, ये रहेगा डी, क्या रहेगा डी, ये डी रहेगा। अब आप यहां पर देखिए, यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 - 3/5
और यहाँ पर हो जाएगा 6। जब 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, यहाँ पर इस तरीके से इसे आप कर सकते हैं। तो यह होगा 1/30, क्या होगा 1/30। डी की वैल्यू आपके पास आई 1/30। अब आपको ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देना इसमें। तो पहला हमें रेशनल नंबर बताना है तो उसका वैल्यू है x प्लस डी। तो x की वैल्यू स्मॉल वैल्यू थी, क्या थी x की वैल्यू स्मॉल वैल्यू थी, तो मैं यहाँ x लूंगा। क्या x की वैल्यू स्मॉल वैल्यू थी, x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये थी, तो मैं x की वैल्यू लूंगा, ये आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू है 3/5 प्लस 1/30, कितना 1/30। तो आपका जब एलसीएम लिया तो 30 आ गया, आपका जो एलसीएम लिया वो 30 आया, और 30 का यहाँ पर दिया तो ये आ गया 18 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 19/30। क्या आया 19/30, यानी कि आपको फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आया 19/30। इसी तरीके से आप सेकंड नंबर निकाल सकते हैं x प्लस 2d, तो यहाँ पर आएगा 3/5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/30। ओके, जब मैं यहाँ पर ये इस तरीके से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आएगा 18 प्लस 2/30, तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी 20/30 ये मिलेगी। अब आपको x प्लस 3d, तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन आएगी 3/5 प्लस 3/30। ओके, एलसीएम की बात आई तो आपको यहाँ मिलेगा 18 प्लस 3/30, तो यहाँ पर हो जाएगा 21/30। तो इस तरीके से आपके चलेंगे 19/30, 20/30, 21/30, तो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपका बहुत ही इजी तरीका। सबसे पहला काम आपको इस कंडीशन में ये करना है कि यहाँ से आपको डी निकाल लेना है, डी निकालने के बाद वाई माइनस एक्स कर लेना है, वाई माइनस एक्स करने के बाद आपको एन प्लस 1 कर लेना है, ये ठीक है। एन वो नंबर है जो पूछा जाता है, जैसे 5 रेशनल नंबर है तो 5 आएगा, 2 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 2 आएगा, y हाईएस्ट वैल्यू है, x स्मॉल वैल्यू है। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब d की वैल्यू आएगी तो आपको इस कंडीशन में रख देना है और आपके पास रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो ये है आपका इजी फॉर्मेट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्वेरीज फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास 7500410322, ठीक है भाई, कंट्री कोड है +1, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, जो भी नंबर है मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अदर देन एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, मैथ्स लॉजिया, ठीक है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैथ्स लॉजिया के नाम से है, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी सारी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं आप, और सारी की सारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब आपके सामने क्या था कि दो रेशनल नंबरों को फाइंड आउट करने की बात थी, तो वो हो चुका है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, और रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर, उन्हें बात कर लेते हैं। तो पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन की। तो यहां लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन पहला है कि आपको रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है। क्या रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट फाइव को और रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन के ऊपर। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती हैं, देखें, पाइथागोरस कहती है कि यदि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये कंडीशन है, यानी कि ये हाइपोटेनियस कहती है। तो अब हम देखेंगे कि रूट थ्री की जो वैल्यू है वो किस तरीके से मिलेगी। तो देखें, आपको यहां पर मिलेगा रूट टू, क्या मिलेगा रूट टू का स्क्वायर, प्लस यहां पर आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर। तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 2 प्लस 1, यानी कि 3, और एच स्क्वायर यहां 3 होगा, तो एच की वैल्यू आपको मिलने वाली है रूट थ्री, क्या मिलने वाली है रूट थ्री। ये वैल्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तो इस वैल्यू को कंप्लीटली क्लियर करने के लिए आपको करना क्या होगा वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहला काम, मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या आप इसे कोई भी नंबर दे सकते हैं, या एक्स कह सकते हैं, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, ओके। यहां पर मिड पॉइंट है जीरो और यहां पर इक्वल डिस्टेंस से कोई भी नंबर है, क्या मैंने इक्वल डिस्टेंस से कोई भी नंबर मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले करना यह है कि रूट थ्री है तो देखिए रूट टू आना चाहिए, आपको रूट टू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो रूट टू पता करने के लिए आपको करना क्या है कि यहां पर मैंने वन लिया, वन सेंटीमीटर, क्या वन सेंटीमीटर, और हाइट भी इसकी वन सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर और बेस को मैंने इक्वल ले लिया है, तो मुझे यहां पर जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा रूट टू। क्या मिलेगा? रूट टू मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहां वन रखेंगे, यहां वन रखेंगे तो आपको टू मिल जाएगा रूट का, ओके। तो ये यहां पर जो वैल्यू मिली वो रूट टू रहेगा, सिंपल। अब आपको रूट थ्री बताना है, क्या बताना है? रूट थ्री। तो देखिए हमने क्या किया था, रूट टू और प्लस वन लिया था, क्या लिया था? रूट टू प्लस वन लिया था। तो आपको करना यह है कि यहां से 90 डिग्री का एंगल में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ और कर लेना, यानी 1 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर, और इस वाली बात को आपको इससे टच कर देना, यानी इस पॉइंट से टच कर देना। जब आपने यहां पर 1 लिया तो ये देखिए ये रूट टू था, ये 1 था, ये 1 हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर और रूट टू लिया था आपका, तो आपको मिला क्या रूट थ्री। जब आपको रूट थ्री मिलेगा तो आपको करना यह है कंपास में इतना डिस्टेंस लेकर, कंपास में इतना डिस्टेंस लेकर इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से यहां नंबर लाइन पर टच कर देना है, और जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी रूट थ्री। अगर हम इस वैल्यू को टच कर देते, इस वाली वैल्यू को टच कर देते, यहां मिलता आपको रूट टू, ये वैल्यू रूट टू थ्री और ये वैल्यू रूट थ्री है। अगर आप कहेंगे कि रूट फाइव चाहिए, क्या कहेंगे? रूट फाइव चाहिए। तो रूट फाइव के लिए आपको करना ये होगा कि ये रूट थ्री है, ये रूट टू है, तो इतने डिस्टेंस यहां पर आप ले लेंगे, इतनी डिस्टेंस अब आप लेंगे तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये वाली वैल्यू को इससे टच करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये वैल्यू यहां आई तो आपको मिलेगा क्या कि देखिए इसको और इसको मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये रूट फाइव होगा, और जब ये रूट फाइव होगा तो इतनी वैल्यू को आप कहेंगे कि ये रूट फाइव यहां पर नंबर लाइन पर। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर अपनी वैल्यूओं को डिनोट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये था नंबर लाइन पर अपने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओके। आपको सबसे ज्यादा हेल्प देने वाला है वो पाइथागोरस थ्योरम है, तो आपको इस पाइथागोरस थ्योरम को पहले स्टडी करना है, और पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आप इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, ओके। अगर इसमें कोई इश्यू हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्लास में देखें तो नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा लास्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में करना यह है आपको कि नंबरों की जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसे आपको इजी फॉर्म में बनाना है, यह कहता है सिंप्लीफिकेशन, सॉरी फिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसे आपको इजी वे में कन्वर्ट कर देना है और वही आपका आंसर होगा, ओके। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 6/√3 - 2, क्या है 6/√3 - 2। इसे इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, देखिए जब भी आपको दो नंबर डाउन में मिले और उनके माइनस का हो या प्लस का साइन हो तो आपको करना ही है सिंप्लीफिकेशन में कि उनके कॉन्जुएट से ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6/√3 - 2 है तो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया √3 + 2 से और यहां पर भी किया √3 + 2 से, तो जो वैल्यू मिली वो रहेगी आपको यहां पर रहेगा 6 और यहां पर रहेगा √3 + 2, ये वैल्यू रहेगी ऊपर, और नीचे की बात करूंगा तो आपको मिलेगा क्या √3 - 2, ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। जब ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं कि √3 + 2 ही तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा माइनस का 1 आपको यहां पर मिलेगा, जब ये माइनस का 1 आपको मिल जाएगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि -√3 + 2, क्या लिख सकते हैं √3 + 2। आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर क्या माइनस बाहर ही रहने देंगे 12 और यहां पर मिल जाएगा +6√3, यानी कि इस तरीके से आपको ये नंबर मिल जाएगा और यही आपकी इजी वे रहेगा। तो इसे आप कहेंगे सिंप्लीफाई, क्या आपका जो नंबर था वो सिंप्लीफाई होकर आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं,
जैसे एक और क्वेश्चन है रूट थ्री प्लस रूट टू, यानी इस वाले नंबर को ले लीजिए आप, रूट थ्री प्लस रूट टू ले लीजिए, और रूट थ्री प्लस रूट टू को आपको सॉल्व करना है अपॉन में वही वैल्यू रखूंगा, सिक्स रखूंगा, सॉरी आपके जो है डिनोमिनेटर में तो ये वाली वैल्यू रहेगी और नॉमिनेटर में सिक्स रख दिया, जैसे वही सेम क्वेश्चन है बस उसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया मैंने, रूट को चेंज कर दिया। ओके चलिए देखें, सेम फॉर्मेट आपको करना ही है कि इसके मल्टीप्लाई कर लेना है कॉन्जुगेट से, तो ऊपर हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, और डाउन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू, और यहां पर हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू। ओके देखिए दोनों को ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये हो जाएगा आपका सिक्स थ्री माइनस रूट टू कुछ इस तरीके से। ओके और डाउन की बात करूंगा तो आपका हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू मिली आपका जो हुआ वो होगा कि रूट थ्री माइनस रूट टू। ओके और डिनोमिनेटर में आएगा थ्री माइनस टू, क्या आया थ्री माइनस टू, और थ्री माइनस टू तो वन होता है, तो आपका आंसर जो बना वो रहेगा रूट थ्री माइनस रूट टू, ये आपका आंसर रहेगा। ओके यह आसानी से, बहुत ही आसानी से अपने सिंप्लीफिकेशन को फिनिश कर सकते हैं। ओके तो ये था आज का हमारा पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। अगर आपको इसके अलावा आपको एडवांस लेवल लेना है, यानी कि अपनी बुक्स के फुल सॉल्यूशन लेने हैं, या एस चंद हो या आर डी शर्मा हो उनके फुल सॉल्यूशन लेने हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस खरीदिए, यानी कि 599 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, यानी 599 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज करने के लिए करना ये होगा कि 7500410 पर 410 यानी इस नंबर पर आपको हेलो लिखना है, हेलो लिखना है और अपना नेम डिटेल मेंशन करना है, यानी नेम डिटेल मेंशन करना है, और जो पेमेंट आप करेंगे इस नंबर पर वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो आपकी क्लास को शेड्यूल कर दिया जाएगा और आपकी पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर टाइम पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।